में जिम्मेदारी निभाने के बाद किसान के बेटे को पूरे देश के किसानों की चिंता करने की जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो हाल ही में देश के कृषि मंत्री बने हैं और उन पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। शिवराज जी, बहुत बहुत बधाई, और किस तरह से ये एक बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूँ, उन्होंने किसानों के कल्याण का और कृषि को आगे बढ़ाने का काम भरोसा करके हमें सौंपा है। किसान कल्याण प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, एक नहीं अनेकों कार्यक्रम बनी हैं जिनने किसानों की जिंदगी बदली है। और 18 जून को काशी जी में 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि डाली जाएगी, ये पहला कार्यक्रम उनका होगा। इसी से समझा जा सकता है कि कितने गंभीर हैं प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए। एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले पहले लिए गए हैं, 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है और आगे भी हम 2047 तक का विजन बना रहे हैं किसानों के कल्याण। अभी कृषि सखी योजना एक हमने बनाई है। कृषि सखी का मतलब है हम अपनी बहनों को प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेनिंग देंगे खेती के कामों के लिए, खेती के कामों की ऐसी ट्रेनिंग कि वो खेत में जाके किसानों की मदद कर सके, उनको सलाह दे सके, उचित बीज, उचित खाद, उचित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं, मैं भी मध्य प्रदेश में बेटियों के कल्याण के काम, बहनों के कल्याण के काम करता रहा हूं, और शायद इसलिए लखपति दीदी बनाने का काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मेरी तरफ आया है। हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का हमने तय किया है कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे, लखपति दीदी। जनता की सेवा अपने लिए भगवान की पूजा है, किसान अगर भगवान है तो बेटी और बहन मेरे लिए देवियां हैं। मध्य प्रदेश को बहुत उचित प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और मध्य प्रदेश के हमारे सारे साथी मिलके देश की सेवा भी करेंगे, प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान देंगे, और इसी से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश को कितनी प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी देते हैं, सरकार देती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब देश के कृषि मंत्री बनने के बाद देश भर के किसानों की चिंता करेंगे, और साथ ही बहनों और महिलाओं के लिए भी वो